व्हाट्स अप गाइस, दिस इज साहिल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहिल आयान में। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता, अपने इस हेयर ट्रांसप्लांट चैनल पर मैं अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और आप सब भाइयों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेरे 10,000 सब्सक्राइब भी हो गए हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबसे मैंने एक वादा और कर रखा है कि आपको टॉप 5 या टॉप 8 क्लिनिक बताऊंगा अगर आप मेरे 20,000 सब्सक्राइब कराओगे। वो आप मेरे 20,000 सब्सक्राइब कीजिए, आप भी, मैं आपके लिए इतना करता हूँ, आप भी मेरे लिए वो कीजिए। तो आपको मैं वो 5 या टॉप 8 क्लिनिक इंडिया में बताऊंगा जो हर कोस्ट के होंगे। और वो क्लिनिक ऐसे होंगे, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, बहुत ज़्यादा मैंने क्लिनिक बता दिया, बट इस बार टॉप 5 या 8 क्लिनिक बताने वाला हूँ ताकि आप आँख बंद करके वहाँ ट्रांसप्लांट कराने जा सकते हैं। उसकी कॉस्ट वगैरह भी आपके साथ मैं पूरी शेयर करूँगा, सब कुछ पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन क्लिनिक के आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले आप मेरे पहले 20,000 सब्सक्राइब कराइए, फिर उसके बाद मैं वीडियो नेक्स्ट डे आपको वो वीडियो पक्का दिखाऊँगा, पक्का। ठीक है भाइयों, आज वैसे तो हमारा कोई टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे ट्रांसप्लांट को कितने दिन हो चुके हैं, मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, क्या मेरी मेडिसिन है, क्या केयर है, वह सबके साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए, ठीक है भाइयों। आज मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं पूरे 7 मंथ और 20 डेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और कंडीशन मेरी कुछ ऐसी है, ये देखिए मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है, पूरे बाल मेरे आ चुके हैं और जितना भी मेरा ख़राब टाइम था वो सब चला गया। अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे बाल हो चुके हैं मेरे, अब थोड़े बड़े भी हो गए, साइड से मैं थोड़ी कटिंग भी करा लेता हूँ। और डोनर एरिया कुछ मेरा ऐसा है, ये देखिए डोनर एरिया कंडीशन ऐसी है मेरी। और साइड से मेरा देखिए कुछ ऐसे है, ऐसा फ़ोटो है मेरा कुछ साइड से भी, आप सब अच्छी तरह देख सकते हैं, ये मेरी कंडीशन है। और फिलहाल जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, मेडिसिन में फ़िलहाल कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, फोली है टैबलेट लेता था और मिनोक्सीडाइल लगा था, वो भी मैंने बंद कर दिया। मैं फ़िलहाल कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। लगभग 7 महीने 20 दिन हो चुके हैं मेरे, तो मैं कोई भी मेडिसिन ले रहा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अपने एग्जिस्टिंग हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मेरे जो कोई ये फ़ोटो है मेरे, इसमें मेरे क्या कुछ एग्जिस्टिंग हेयर थे, इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं डाइट ले रहा हूँ। और मुझे लग रहा है मेरी डाइट बहुत काम कर रही है, डाइट प्लान मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वो मेरी डाइट फॉलो मैंने पहले भी की थी और अभी भी कर रहा हूँ। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखे, अगर आप वो वीडियो देखोगे, अगर आप ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं या करा चुके हैं, अगर आपके हेयर वीक है तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, तो वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। मैं वही डाइट प्लान अभी भी कर रहा हूँ, केयर में ये कर रहा हूँ, आप हेड वॉश नहाने के बाद भी मैं आखिरी में अपने बाल थोड़ा फिल्टर के पानी से धो के बाथरूम से तब निकलता हूँ, उससे पहले मैं नहीं निकलता, पूरा अच्छी तरह से अपने बालों को धो के तब निकलता हूँ। और अभी धूल मिट्टी धूप से मैं थोड़ा सा जब भी रोड पे जाता हूँ, हमेशा नहीं, अगर मेरे को लंबे टाइम बाइक पे जाना है या कहीं पे भी जाना है तो मैं अपना कवर कर लेता हूँ कैप से। अभी आप बोल सकते हैं कि कुदरत के दिए हुए नहीं है, इसकी तो आपको थोड़ा केयर तो रखनी पड़ेगी, यही सोच के मैं अभी भी थोड़ी केयर करता हूँ, उसे थोड़ा धूप धूल मिट्टी से थोड़ा बचाता हूँ, पूरा नहीं थोड़ा बचाता हूँ। अगर मान लो मुझे घंटों धूप धूल मिट्टी में रहना है तो मैं कैप लगा लेता हूँ, वरना तो कोई इशू नहीं, आधा एक घंटा 1.5-2 घंटे भी धूप में रहता अब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बस डाइट मैंने आपको बता दी, मेडिसिन में कुछ ले नहीं रहा हूँ। और नहाते हुए मतलब बाथिंग करते हुए मैं थोड़ा सा आखिरी में अभी भी थोड़ा साफ पानी डाल लेता हूँ अपने सर पे, और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, पार्टी इन्जॉय कर रहा हूँ। देखो ये घूमने गया था मेरा, ये फ़ोटो मैं घूमने गया था, फुल इन्जॉय कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ फुल इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ को, कोई टेंशन नहीं रही ज़िंदगी में, जहाँ भी जाता हूँ बिना इन्जॉय। अब सबसे बढ़िया है बिल्कुल बालों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, देखो मैं पानी में ऐसे बाहर खुले पानी में भी नहाया हूँ, देखो ये बस ये कि जब भी मैं खुले में नहाता हूँ पानी में नहाता हूँ, आखिरी में मैं मिनरल वाटर से अपने सर पे पानी डाल के थोड़ा वॉश कर लेता हूँ 1 या 2 बोतल, बस ये केयर कर रहा हूँ मैं, और कोई ज़्यादा केयर नहीं कर रहा हूँ, फुल इन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, कहीं भी जा सकता हूँ, पार्टी में जा सकता हूँ, शादी में, मैं बहुत हैप्पी हूँ, आपको बता नहीं सकता मैं कितना हैप्पी हूँ। आप सब भी अगर ट्रांसप्लांट कराने वाले तो सोचो मत भाइयों, करा लो ट्रांसप्लांट और अपनी लाइफ को इंजॉय करो, अच्छे से इंजॉय करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों, अब चलता हूँ, आज कोई टॉपिक तो है नहीं था, बट आपको ये बताना था कि मैं क्या ले रहा हूँ और कितना टाइम हुआ है, ताकि अगर आप फ्यूचर में ट्रांसप्लांट कराने वाले करा चुके तो ये वीडियो आप देखकर थोड़ा सा आप मोटिवेट हो, थोड़ा आपको सीखने को मिले कि आप अपनी हेयर केयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।